हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, और आज हम इसमें स्टडी करेंगे हाउ टू कन्वर्ट स्टार टू डेल्टा। उसका फार्मूला स्टडी करेंगे और उसका एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करते समय सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। देखो, सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस होते हैं जो या तो सीरीज कनेक्टेड होते हैं, या पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, या स्टार कनेक्टेड होते हैं, या तो डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। अगर सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में अगर है, तो उसके थ्रू टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना, वो ऑलरेडी हमने इसके पहले के टॉपिक्स में कवर किए थे। इसके पहले ऑलरेडी सीरीज पैरेलल सर्किट के नंबर ऑफ वीडियोज हमने अपलोड किए थे, उसमें हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना वो बताए थे। वो वीडियोज आप देख लीजिएगा, उससे आप का सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता है, तो आप आसानी से उससे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, यहां पे आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू कन्वर्ट स्टार टू डेल्टा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्टार क्या होता है। तो देखो, रेजिस्टेंसेस का स्टार कनेक्शन में होना, ये देखिए, ये हम कुछ यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहां पे हम तीन रेजिस्टेंसेस ले लेंगे और ये तीनों रेजिस्टेंसेस ये हम स्टार में कनेक्ट करेंगे। देखिए, ये जो कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंसेस का, ये है स्टार कनेक्शन। ठीक है, ये जो एंड है हम इसको कहेंगे एंड ए, ये एंड को हम कहेंगे एंड बी, और ये एंड को हम कहेंगे एंड सी। ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस आर वन, ये रेजिस्टेंस को हम कहेंगे रेजिस्टेंस आर टू, और इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस आर थ्री। तो ये है स्टार कनेक्शन। ठीक है, ये है रेजिस्टेंसेस का स्टार कनेक्टेड होना। अब हम आपको बताते हैं कि रेजिस्टेंसेस का डेल्टा कनेक्शन यानी डेल्टा कनेक्टेड होना यानी क्या है। देखो, रेजिस्टेंसेस डेल्टा कनेक्टेड जब होते हैं तो इस फॉर्म में वो कनेक्ट किए जाते हैं। देखिए, इस तरह का ये आपको एक ट्रायंगल समान दिखाई देगा, और ये देखिए, ये ट्रायंगल फॉर्म में इस तरह के रेजिस्टेंसेस आपको दिखाई देंगे। देखिए, ये है रेजिस्टेंसेस का डेल्टा कनेक्शन, ये है रेजिस्टेंस, हम इसको कहेंगे आर वन, ये रेजिस्टेंस हम इसको कहेंगे R2, या फिर आप इसको एक काम करते हैं, नया नाम देते हैं RX, देन ये है RY, क्योंकि R1, R2, R3 ऑलरेडी हो गया था, और ये हम यहां दे देंगे दैट इज RZ। ठीक है, इस तरह से। तो ये है रेजिस्टेंसेस का स्टार कनेक्शन और ये है रेजिस्टेंसेस का डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंसेस जब स्टार कनेक्टेड होते हैं तो इस तरह का कुछ डायग्राम दिया रहेगा, और रेजिस्टेंसेस जब डेल्टा कनेक्टेड होते हैं तो ऐसा कुछ आपको डायग्राम दिखाई देगा। ठीक है, यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे तीनों साइड में नोड होते हैं। देखो, यहां पे एक नोड होता है, नोड माने जंक्शन पॉइंट, जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है। देखो, यहां पे तीनों जगह नोड रहेंगे और नोड के थ्रू इस टाइप का ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर तैयार होगा और वहां पे तीन रेजिस्टेंसेस रहेंगे। तो ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। आज हमें क्या स्टडी करना है, आज हम आपको बताएंगे कि स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। हम आपको यहाँ एक नहीं दो फार्मूले बताएंगे। वो दोनों फार्मूलेज अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम में आसानी से स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम आपको बताते हैं वो फार्मूलेज। देखो, जैसा हमने कहा, ये है स्टार कनेक्शन, ये है डेल्टा कनेक्शन। तो अब हम आपको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके बताते हैं। जब आपको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना होता है तो ऐसे में आपको स्टार के जो आउटर एंड्स हैं उनको ज्वाइन करना होता है। ठीक है, क्या कहा, स्टार के आउटर एंड्स, इसका मतलब एंड ए, एंड बी, एंड सी, इनको ज्वाइन करना होता है। तो ये देखिए, इनको हम यहां ज्वाइन करेंगे, और ये जो है फिलहाल हम ये कलर पेन से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये हम डॉटेडली यहां पर आपको ड्रॉ करके बता रहे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते समय स्टार के आउटर एंड्स आपको ज्वाइन करना होता है। ये देखिए, स्टार के आउटर एंड्स हमने ज्वाइन कर लिए। तो ये स्टार के आउटर एंड ज्वाइन करने से आपको एक इस टाइप का ट्रायंगल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो बाहर आपको जो दिखाई दे रहा है यही है डेल्टा, और अगर आप ये डेल्टा को प्रॉपरली अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो वो डेल्टा इस तरह का बनेगा। देखिए, ये है वो डेल्टा, ये जो बाहर का जो आपको डॉटेड लाइन का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो हमने यहां पे ड्रॉ किया है, समझ लो। तो ये ऐसा डेल्टा है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है, ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच का जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम कहेंगे आर एक्स। देखो, हमने यहां ऑलरेडी लिखा है आर एक्स। देन ये जो ब्रांच तैयार हुआ है, ये ब्रांच में जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम कहेंगे आर वाई। ये देखिए आर वाई, और ये ब्रांच को, ये ब्रांच का जो भी रेजिस्टेंस रहेगा, ये जो ब्रांच बना है उसका रेजिस्टेंस हम इसको कहेंगे RZ। तो ये देखिए RZ, इस तरह का फाइनली हम क्या कर रहे हैं, फाइनली हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के बाद ऐसा
ये कुछ डेल्टा तैयार होगा। तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते समय आपको क्या करना होता है, यहाँ पे स्टार टू डेल्टा का फार्मूला अप्लाई करना होता है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि स्टार को सॉल्व करना मतलब क्या करना या फिर डेल्टा को सॉल्व करना मतलब क्या करना। तो बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है, स्टार को सॉल्व करना मतलब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना, और अगर डेल्टा को सॉल्व कर रहे तो डेल्टा को सॉल्व करना मतलब स्टार में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जब आप स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो स्टार टू डेल्टा का फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करना है। बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलो यहां पे हम आपको फार्मूला बताते हैं कि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते समय क्या फार्मूला अप्लाई करना। तो यहां पे जो डेल्टा के जो यहां पे रेजिस्टेंसेस है RX, RY, RZ, इनका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है। तो देखो RX फाइंड आउट करने का फार्मूला यहां पे क्या रहेगा, हमने आपको जैसा कहा स्टार्टिंग में कि हम आपको दो फार्मूले बताने वाले हैं, तो दोनों फार्मूलेज आप अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखना। दो फार्मूलेज हम क्यों बता रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में एक टाइप का फार्मूला दिया है तो कुछ बुक्स में दूसरे टाइप का फार्मूला दिया है, दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर कौन सा फार्मूला बता रहे, बस आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। जो भी फार्मूला आपके लेक्चरर बता रहे आपको उसी के थ्रू सॉल्व करना है, आंसर एक ही आता है। चलो हम यहाँ पे पहले टाइप का फार्मूला यहाँ पे बता रहे। सबसे पहले हम डेल्टा का फर्स्ट रेजिस्टेंस देखो RX, हम ये RX का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखिए। RX फाइंड आउट करने के लिए RX आपको कहां से, ये जो ब्रांच है ये ब्रांच आपको कहां से मिल गया था, तो ये जो ब्रांच है आपने A और B को ज्वाइन करके तैयार किए थे, A और B को ज्वाइन किए थे, और A के देखो A के अक्रॉस है यहां पे रेजिस्टेंस R1 और B के अक्रॉस यहां पे रेजिस्टेंस है R2। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने क्या किए, आपने ये R1 और ये R2 के आउटर एंड ज्वाइन करके ये ब्रांच तैयार किए थे। क्या कहा, आपने R1 और R2 के आउटर एंड ज्वाइन करके ये ब्रांच तैयार किए थे। तो अब आपको क्या करना है, जो दोनों को आपने ज्वाइन किए उन दोनों का एडिशन करो। इसका मतलब ये दोनों का एडिशन, तो हम यहां लिख लेंगे R1 प्लस R2, हमने R1 और R2 को ऐड कर लिए। अब आपने जिनको दोनों को ऐड किए उन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 इनटू R2, और जो बच गया उसको इससे डिवाइड करो, तो हम यहां लिख लेंगे R3। देखो यहां पे फार्मूला बन गया, कितना सिंपल। हमने क्या किए थे, R1 R2 को ज्वाइन करके ये ब्रांच तैयार किए थे, तो जिन दोनों को आपने ज्वाइन किए थे पहले उन दोनों का एडिशन करो, फिर उन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, और डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस, ये दोनों का एडिशन, फिर यही दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस। इस तरह से ये फार्मूले के थ्रू आपको RX इट मींस ये ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब RY कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। अगर आपको RX में कंफ्यूजन था तो RY में वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो RY इट मींस ये ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो ये जो ब्रांच यहां पे बना था ये ब्रांच आपने कैसे तैयार किए थे, तो बी और सी को ज्वाइन किए थे, इट मींस R2 का आउटर एंड और R3 का आउटर एंड, R2 और R3 के आउटर एंड्स को ज्वाइन करके हमने ये ब्रांच बनाए थे। तो जिन दोनों को आपने ज्वाइन किए थे वो दो रेजिस्टेंसेस का आप एडिशन करो, फिर वही दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, और फिर डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस। इसका मतलब आपने R2 R3 को ज्वाइन किए थे, तो क्या करो R2 R3 का एडिशन करो, तो हम यहां करेंगे R2 प्लस R3। अब आप इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, इट मींस R2 इंटू R3, और जो बच गया उसको इससे डिवाइड करो, इट मींस R1। ठीक है, ये दोनों का एडिशन, फिर यही दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेड बाय ये थर्ड रेजिस्टेंस दैट इज R1। इस तरह से ये हो गया RY। और अब देखिए RZ का फार्मूला यहां पे क्या बनता है। RZ, ये RZ माने क्या, तो RZ माने ये ब्रांच का रेजिस्टेंस। देखो ये जो ब्रांच है ये ब्रांच का रेजिस्टेंस है RZ, और ये ब्रांच कैसे बना था, तो इसके लिए आपने R1 का आउटर एंड और R3 का आउटर एंड आपने इनको ज्वाइन किए थे, A और C को ज्वाइन किए हैं, इट मींस इनडायरेक्टली आपने R1 और R3 को ज्वाइन किए हैं। तो अगर आपने R1 R3 को ज्वाइन किए हैं तो जिन दोनों को ज्वाइन किए हैं उनका पहले आप एडिशन करो, इट मींस R1 प्लस R3। ठीक है, और आप इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, यानी R1 इंटू R3, और जो बच गया उसको इससे डिवाइड करो, यानी R2। देखो ये फार्मूला है स्टैंडर्ड। ठीक है, जिन दोनों को आपने ज्वाइन किए उन दोनों का पहले एडिशन ये हमने किए, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हमने किए, और जो बच गया उसको इससे डिवाइड किए, यानी R2 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिए। तो ये हो गया स्टार टू डेल्टा का फार्मूला। ये काफी सिंपल फार्मूला है, कुछ बुक्स में ये फार्मूला लिखा है। अब हम आपको दूसरा फार्मूला भी बताते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में ये फार्मूला लिखा है तो कुछ बुक्स में इसका एक अलग जो फार्मूला है वो जो हम बताएंगे वो लिखा हुआ है। आप इसके थ्रू आसानी से डेल्टा के जो ब्रांचेस के रेजिस्टेंसेस है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी RX, RY, RZ आसानी से इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया
स्टार टू डेल्टा का फार्मूला। लेकिन जैसा कहा था कि हम आपको दो फार्मूले बताएंगे, तो चलो यहां पे एक दूसरा फार्मूला भी आपको बता देते हैं। तो दूसरा फार्मूला कैसा है देखो, उसके थ्रू भी आप RX, RY और RZ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो दूसरा फार्मूला सिंपल है। देखो जो आपको RX फाइंड आउट करना है, बस आप ये ध्यान में रखो कि RX का अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है। देखो ये जो RX है, ये ब्रांच का रेजिस्टेंस RX, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस देखो ये क्या है स्टार का, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, RX का अपोजिट रेजिस्टेंस R3। RY का अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, देखो RY का अपोजिट रेजिस्टेंस है R1। देखो RY का अपोजिट रेजिस्टेंस R1 और RZ का अपोजिट रेजिस्टेंस R2। तो जो हम दूसरा फार्मूला बता रहे हैं उसमें आपको अपोजिट रेजिस्टेंस पहचानते आना चाहिए, उसमें बस आपको गलती नहीं करना है। अगर आपने RX का अपोजिट रेजिस्टेंस R3 के बजाय अगर आपने R2 या R1 वगैरह आपने लिख दिए तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस बस आपको पहचानना है। और आप देखिए दूसरा फार्मूला कैसे बनता है, आपको क्या करना है, यहां पे एक फ्रैक्शन तैयार करना है। देखो ये फ्रैक्शन तीनों में जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर सेम रहेगा। देखो हम आपको यहां फ्रैक्शन जो आपको बता रहे हैं ये, इसके तरफ आप ध्यान दो, तीनों में जो न्यूमरेटर है वो बस सेम रहेगा, आपको बस डिनोमिनेटर चेंज करना है। देखो सबसे पहले तीनों के न्यूमरेटर में क्या रहेगा वो हम आपको बताते हैं। तो स्टार के ये जो तीन वैल्यूज है R1, R2, R3, आपको क्या करना है, R1, R2 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस R2, R3 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस R1, R3 को मल्टीप्लाई करना है। यानी ऐसा, ये देखिए R1 into R2 प्लस R2 into R3 प्लस R1 into R3। देखो ये है न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर आपको सभी में लिखना है, सभी में ये न्यूमरेटर कॉमन रहेगा। जस्ट अ मिनट, सभी में ये न्यूमरेटर कॉमन रहेगा, तो हम यही यहां पे लिख लेंगे R1 into R2 प्लस R2 into R3 प्लस R1 into R3। इस तरह से यहां पे भी हम लिख लेंगे न्यूमरेटर सेम, R1 into R2 प्लस R2 into R3 प्लस R1 into R3। ये देखिए न्यूमरेटर सभी में सेम रहेगा, बस अब डिनोमिनेटर हमें चेंज करना है। तो न्यूमरेटर में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। यहां पे कैसा है, ये फार्मूले के थ्रू अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पे हर बार जो है एक नया रिलेशन बन रहा था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे न्यूमरेटर सेम रहेगा, बस आपको डिनोमिनेटर में चेंजेस करने हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, देखो जैसा हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये फार्मूले के टाइम आपको अपोजिट रेजिस्टेंस पहचानते आना चाहिए। तो देखो अब यहां पे उसी का यूज है, RX फाइंड आउट करते समय आपको क्या करना है, RX का अपोजिट रेजिस्टेंस यहां लिखना है। ठीक है, RY फाइंड आउट करते समय RY का अपोजिट रेजिस्टेंस यहां लिखना है और RZ फाइंड आउट करते समय उसका अपोजिट रेजिस्टेंस यहां लिखना है। तो चलो लिखेंगे, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताए थे RX का अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, RX का अपोजिट रेजिस्टेंस R3 है, तो हम यहां डिनोमिनेटर में लिख लेंगे R3। ठीक है, RY का अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, तो हम यहां डिनोमिनेटर में लिख लेंगे R1। और अब RZ का अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, तो हम यहां लिख लेंगे R2। तो फाइनली फार्मूला बन गया। तो यही है वो फार्मूला जिसकी हम बात कर रहे थे, ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, आप ये दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज करो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, RX फाइंड आउट करने के लिए चाहे तो आप ये फार्मूला यूज करो, चाहे तो आप ये फार्मूला यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक बात बताना चाहेंगे, ये जो फार्मूला यहाँ पे ये जो तैयार हुआ है ये इसी से तैयार हुआ है। अगर आप यहाँ पे LCM लेके अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये इसी तरह का फार्मूला बनता है। ठीक है, तो ये कुछ अलग नहीं है, तो बस हम आपको ये इसलिए बताए हैं क्योंकि जो है अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, तो आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा के देते हैं। हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू हम आपको आंसर निकाल के बताएंगे, दोनों के थ्रू आंसर एक ही आएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल, चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो R1 है इसका वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, R1 का वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे 2 ओहम। ठीक है, R2 का वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो ये हम यहाँ लिखेंगे 3 ओहम, और ये जो R3 है इसका वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो 2 ओहम, 3 ओहम, और इसके बाद हम यहाँ ले लेंगे चलो 4 ओहम, 5 ओहम लिए तो भी चलेगा। ये एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। चलो अब देखते हैं, ये स्टार आपके सामने है, देखो क्या है स्टार, 2 ओहम, 3 ओहम, 4 ओहम, ये एक स्टार है। अब ये स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए स्टार के आउटर एंड्स आपको ज्वाइन करना होता है। तो ये देखिए, ये स्टार के आउटर एंड्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन करा के रख दिया है। ठीक है, ये देखिए आउटर एंड्स हमने ज्वाइन किया है, और इससे क्या हुआ, इससे हमें एक डेल्टा यहाँ पे मिल गया है। देखो ये डेल्टा RX, RY, RZ वाला डेल्टा, ये डेल्टा को हम बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा डेल्टा यहाँ पे बनता है,
और अब आपको क्या करना है, ये RX का वैल्यू फाइंड आउट करना है, RY का वैल्यू फाइंड आउट करना है, RZ का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनका वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको सॉल्व करके बताएंगे RX, RY, RZ का वैल्यू हम आपको सबसे पहले सॉल्व करके बताएंगे ये फार्मूले के थ्रू, बाद में वही हम वैल्यू जो है वो ये फार्मूले के थ्रू भी सॉल्व करके बताएंगे। आंसर देखना एक ही आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले RX फाइंड आउट करेंगे। तो RX फाइंड आउट करने के लिए देखो, हम फार्मूला जो हमने पहला फार्मूला बताए थे उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूले का यूज करने वाले हैं RX फाइंड आउट करने के लिए। इसका मतलब ये ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने ये दो रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन किए थे, तो जिन दोनों को आपने ज्वाइन करके ये ब्रांच बनाया उन दोनों का एडिशन करो, फिर उन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस। इसका मतलब 2 + 3 + 2 × 3 / 4, इसका मतलब ये फॉर्म हम तैयार कर रहे हैं, दोनों का एडिशन फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय थर्ड। ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन, इसका मतलब 2 + 3, तो हम ये लिख लेंगे 2 + 3 + 2 × 3 / जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 4। ठीक है, ये दोनों का एडिशन ये देखिए 2 + 3, फिर यही दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये देखिए 2 × 3 / नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बचा है वो, तो हमने यहां लिख लिए इस तरह से 4। बस अब इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर हम बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम तीनों इक्वेशंस यहां पे तैयार कर लेते हैं। तो RX हमने लिख लिए, और अब चलो RY हम यहां पे लिखते हैं। RY इट मींस ये ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो अगर आपको ये ब्रांच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है RY, तो आपने क्या किया है, ये दोनों को ज्वाइन किए हैं। देखो ये दोनों को ज्वाइन करने से ये ब्रांच तैयार हुआ है, तो जिन दोनों को आपने ज्वाइन किए उन दोनों का पहले एडिशन करो, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और डिवाइडेड बाय थर्ड, इट मींस 3 + 4 + 3 × 4 / 2। तो हम यहां पे ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, काफी सिंपल है ये, 3 + 4 + 3 × 4 / 2। ठीक है, जिन दोनों को ज्वाइन किए उन दोनों का पहले एडिशन, फिर उन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय थर्ड, इस तरह से। इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाद में, इसका भी हम आंसर निकालेंगे। और अब RZ, तो देखो RZ का यहां पे वैल्यू क्या निकलता है, RZ के लिए इक्वेशन क्या बनता है। देखो RZ माने ये ब्रांच का रेजिस्टेंस, अगर आपको ये ब्रांच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, आपने ये दोनों को ज्वाइन करके ये ब्रांच तैयार किए थे, इट मींस 2 और 4 को ज्वाइन किए थे, तो क्या करो इन दोनों का एडिशन, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब 2 + 4 + 2 × 4 / 3। तो हम यहां लिख लेंगे 2 + 4 + 2 × 4 / 3। और अब चलो तीनों को हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे। देखो तीनों हमने इक्वेशन जो है यहां पे तैयार कर लिए हैं और हमने ये फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया है, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो ये क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 6.5 ओहम, ये 6.5 ओहम, देन ये क्या हो जाएगा, ये 2, ये 6 और ये 3 9 9 और 4, ये हो जाएगा 13 ओहम का रेजिस्टेंस, और इसका आंसर आएगा दैट इज 8.666 ओहम का रेजिस्टेंस। तो ये हमने फाइनली तीनों को यहां पे सॉल्व कर लिया है, तीनों का आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, और अब एक काम करेंगे, यही तीनों जो है हम आपको अब ये फार्मूले से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, आंसर बिल्कुल यही आएगा जैसा हमने कहा था, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो वो हम सॉल्व करेंगे, जस्ट अ मिनट, ये हम फाइंड आउट किए थे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं और अब दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। एग्जाम में आप कोई भी एक फार्मूले का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने पहले फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया है, और अब दूसरे फार्मूले के थ्रू अगर सॉल्व करना है तो चलो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे RX फाइंड आउट करने के लिए। जैसा हमने कहा था, न्यूमरेटर यहां पे सेम रहेगा, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंजेस करना है, और न्यूमरेटर में आप यहां पे देख सकते हैं R1 R2 + R2 R3 + R1 R3। ठीक है, तीनों के न्यूमरेटर में यही है, इसका मतलब देखो आपको क्या करना है, ये R1 × R2 + R2 × R3 + R3 × R1, इसका मतलब 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 2, ऐसा। तो हम यहां पे लिख लेंगे, देखो 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 2, ये देखिए न्यूमरेटर में ऐसा 2 3 3 4 4 2, देखो 2 3 3 4 4 2, ये न्यूमरेटर हो गया, और न्यूमरेटर सभी का जहां तक हमने जैसा कहा था सेम रहेगा, बस आपको डिनोमिनेटर में चेंजेस करना है। तो देखो अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर के लिए आपको RX का अपोजिट रेजिस्टेंस पहचानना है, तो RX का अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, 4, तो हम यहां लिख लेंगे 4। ठीक है, इसके थ्रू आपको RX का वैल्यू मिल जाएगा, और यहां पे RX का वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू इट मींस जो आंसर है वो वही आएगा जो इसके पहले हमने फाइंड आउट किए थे, दैट इज 6.5 ओहम, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेटर में चेक करो आंसर बिल्कुल यही आएगा, ये रहेगा RX। और अब आपको RY अगर फाइंड आउट करना है दूसरे फार्मूले के थ्रू, तो जैसा हमने कहा था न्यूमरेटर सेम रहेगा, तो न्यूमरेटर हम यहां पे लिख लेंगे, देखो यहां पे 2 × 3 + 3 × 4
प्लस 4 इंटू 2, न्यूमरेटर सेम है, बस यहां पे आपको डिनोमिनेटर चेंज करना है। तो डिनोमिनेटर में अब आपको क्या करना है, RY जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए अपोजिट देखो, RY का अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, तो RY का अपोजिट रेजिस्टेंस 2 है, तो यहां पे हम लिख लेंगे 2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर फिर से वही आएगा 13 ओम जो हमने इसके पहले फाइंड आउट किए थे, आंसर वही आएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है। और अब RZ हम फाइंड आउट करेंगे, तो RZ फाइंड आउट करते समय फिर से न्यूमरेटर बिल्कुल सेम रहेगा, 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 2, और डिनोमिनेटर में बस आपको अपोजिट रेजिस्टेंस चेंज करना है, तो RZ का अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम, तो हम यहां लिख लेंगे 3, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.666 ओम जो हमने इसके पहले RZ निकाले थे, बिल्कुल वही आंसर आएगा। देखो तीनों वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम आएंगी दोनों फार्मूलेज के थ्रू। अब आपको दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है, ये चॉइस आपका है। अगर आपके कॉलेज में ये फार्मूला बता रहे तो आपको ये इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, और अगर आपके कॉलेज में ये फार्मूला बता रहे स्टार टू डेल्टा का, तो आपको ये इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टार टू डेल्टा, इसमें डेल्टा टू स्टार का भी फार्मूला आता है। आज के वीडियो में हमने बस स्टार टू डेल्टा यहां पे स्टडी किया है और उसका एक एग्जांपल स्टडी किया है। अगले वीडियो में हम डेल्टा टू स्टार का फार्मूला स्टडी करने वाले हैं और उसका भी हम एग्जांपल पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों फार्मूलेज आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों फार्मूलेज आपको अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखना चाहिए। इसके आने वाले दिनों में जब हम स्टार डेल्टा के नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पर ये काफी यूजफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।